नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक स्पेशल डिवाइस के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा डिवाइस है जो कि मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे कामयाब डिवाइस में से एक है। तो इस डिवाइस का नाम है रेसबेरी पाई। वैसे सुनने में एक मिठाई के नाम से जैसा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। एक माइक्रो कंप्यूटर है, मतलब हम जो लैपटॉप पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी छोटा वर्सन, एकदम छोटा सा एक डिवाइस है। और इसमें इतना पावर है कि हम अपने सीपीयू को अगर फेंक दे, उसके जगह अगर इसे रखे, तो इसके जरिए एक मॉनिटर और दूसरे बहुत सारे डिवाइस को इसके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम इस डिवाइस के बारे में पूरा जानेंगे और जानेंगे कि ये डिवाइस किन लोगों के लिए बना था, लेकिन ये डिवाइस कौन कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू किया जाए आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेट वर्ल्ड चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो हर रोज देखना चाहते हैं, तो गैजेट वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो रेसबेरी पाई रिसेंटली इसका फोर्थ जनरेशन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। पहले हम जानते हैं कि ये डिवाइस आखिर बना कैसे है। इस पिक्चर में देखिए, इसमें एक मदरबोर्ड है जो कि ब्रॉडकॉम कंपनी का है। इसमें एक प्रोसेसर है, जनरेशन फोर्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका जो प्रोसेसर है वो एक क्वाड कोर प्रोसेसर है 1.5 गीगाहर्ट्ज़ तक। इसमें 1GB, 2GB में 4GB DDR4 3400 मेगाहर्ट्ज़ तक रैम का सपोर्ट है। इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, गीगाबिट इथरनेट का सपोर्ट है। इसमें 2 3.0 पोर्ट और 2 2.0 पोर्ट है। इसमें 2 माइक्रो HDMI पोर्ट है जिसके जरिए आप दूसरे मॉनिटर को भी जोड़ सकते हैं। और इसमें 4 स्टेरियो ऑडियो पोर्ट है। इस डिवाइस के जरिए आप 4K 60fps पर वीडियो देख सकते हैं, या फिर फुल HD 60fps पर भी वीडियो देख सकते हैं। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे डेटा स्टोरेज के लिए है माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट, और इसमें 5V DC सपोर्ट है USB-C पोर्ट के जरिए। वैसे ये तो एक कमाल का डिवाइस है, और ऐसा मैं कह सकते हो कि हम या फिर आप जो भी एक कंप्यूटर इस्तेमाल अगर करते हैं, अगर उसके CPU के बदले इससे इस्तेमाल करें, तो हम अपने डेली काम आसानी से कर सकेंगे। तो ये जो डिवाइस ये बना था पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्री के लिए। कुछ देश होता है जो बहुत ही गरीब होता है, तो वहाँ के जो स्कूल है उन स्कूल्स को बच्चों को सिखाने के लिए जब कंप्यूटर किनने के भी पैसे नहीं होते थे, तो इन स्कूल पर्टिकुलर इन देश मतलब इन डेवलपिंग देश के लिए इस डिवाइस को निकाला गया। इस डिवाइस का प्राइस शुरू होता है $35 से, मतलब अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 2000 रुपीज़ के आसपास, मतलब 2000 रुपीज़ में एक फुल कंप्यूटर CPU मिलता है। जो लोग कोडिंग सीखना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक परफेक्ट डिवाइस है। मैं आपको अब एक रिपोर्ट बताता हूँ। 2018 तक लगभग 19 मिलियन रेसबेरी पाई डिवाइस बिकाए, लेकिन एक कमाल की बात है, ये जो 19 मिलियन डिवाइस बिकाए, इनमें से ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम डिवाइस डेवलप्ड कंट्री में बिकाए। जिन कंट्री में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, या फिर उन्हें ऐसे कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, तो उनके पास ही ये सारे डिवाइस पहुँचाए। जो ओरिजिनल जिनका नीड है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्री या फिर पुअर कंट्री है, उनके पास ये डिवाइस पहुँचा ही नहीं। वैसे ये जो कमाल का डिवाइस तो आप देख ही सकते। तो ये जो डिवाइस डेवलपिंग कंट्री के बजाय डेवलप्ड कंट्री क्यों इस्तेमाल कर रहे, इसका एक कारण है। क्योंकि देखिए, क्योंकि एक पूरा एक CPU होता है, मतलब इसे हम किसी भी मॉनिटर या फिर किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये हैकर्स का पहला पसंद होता है। हैकर्स इन डिवाइस को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, कुछ डिवाइस को हैक करने के लिए उस डिवाइस को हमें कोई दूसरे डिवाइस के साथ फिजिकली लिंक करना होता है। तो हैकर्स के पास जो कंप्यूटर या फिर मशीन जाता है वो तो बहुत ही महंगा होता है, तो वो मशीन को हैकर्स उस मेन मशीन के साथ जोड़ नहीं सकते। अगर एक $35 या फिर 2000 रुपए का ये मशीन, अगर इसके जरिए हैकिंग किया जाए, तो ये मशीन चला भी जाए, तो बहुत सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इसका ही एग्जांपल हुआ है कुछ दिन पहले नासा से। तो एक लड़के ने एक रेसबेरी 4 मशीन को लेकर नासा को हैक कर लिया था, और नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के 500 MB का डेटा चुरा लिया था। तो आप देख सकते हैं कि एक रेसबेरी पाई जो इतना सस्ता और इतना एक पावरफुल मशीन है, इसके जरिए किसी भी जगह को हैक किया जा सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिसने हैक किया वो एक प्रॉपर हैकर भी नहीं था, उसे बस थोड़ा सा कोडिंग और हैकिंग का ज्ञान था। मतलब अगर प्रॉपर हैकर इसे इस्तेमाल करते तो किसी भी मशीन को वो हैक कर सकते। तो आप सोच सकते कि नासा इतना करोड़ों रुपये खर्च करके अपना सिक्योरिटी सिस्टम बनाता है, उसे एक $35 का मशीन आसानी से हैक कर लिया। तो नासा का जो इतने करोड़ रुपए का सिक्योरिटी सिस्टम है वो पूरा वेस्ट हो गया, और नासा ने बाद में ब्लेम दिया कि हमारी कोई गलती नहीं, ये रेसबेरी पाई मशीन का गलती है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कैस्परस्काई जो कि बहुत ही फेमस एंटीवायरस कंपनी है, उस कंपनी ने इस रेसबेरी पाई मशीन को लेकर बहुत सारे टेस्ट किए, और ऐसा पता चला कि इस
रेस्पबेरी पाई मशीन के जरिए आप किसी भी डिवाइस को, मतलब लगभग किसी भी डिवाइस को आप हैक कर सकते। तो उन्होंने ऐसा किया, पर्टिकुलर एक सर्वर बनाया जिसे ये रेस्पबेरी पाई मशीन हैक कर सके। तो क्या किया, एक USB पोर्ट के जरिए उस मशीन को जिस सर्वर के साथ लिंक करने है वहां पर कनेक्ट कर दिया। तो कैस्पर्स का ये जो डिजाइनर से उन्होंने इस रेस्पबेरी पाई के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया था और थोड़ा एक्स्ट्रा कोड को जोड़ दिया था। जब भी इस रेस्पबेरी पाई मशीन को उस सर्वर के साथ जोड़ा जाएगा तो सर्वर को ये मशीन ऐसा मैसेज भेजेगा कि आखिर ये कोई USB डिवाइस नहीं, बस एक LAN पोर्ट है, मतलब कि इंटरनेट पोर्ट है। तो मशीन क्या करेगा, मशीन उस डिवाइस को अपने सर्वर के साथ इजीली कनेक्ट करने का मौका देगा। जैसे ही कनेक्ट कर देगा उस सर्वर के साथ लिंक्ड सारे कंप्यूटर के सारे पासवर्ड, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पासवर्ड सेव रखते हैं, उन सारे पासवर्ड एक साथ एक ही टाइम में हैक हो जाएगा और वो पूरा सर्वर का पूरा डेटा इस डिवाइस के अंदर आ जाएगा। और क्योंकि इस डिवाइस में हम SD कार्ड के जरिए इसका मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारा डेटा को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेस्पबेरी पाई एक कितना बढ़िया मशीन है जो कि पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्री के लिए बनाया गया था। जो गरीब देश है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो इस मशीन को खरीद के कंप्यूटर सीख सके, तो वहाँ के स्कूल इस मशीन के जरिए उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान दे सकते हैं। तो उसके बदले जनरली हैकर्स ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का वीडियो यही तक, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।